आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जिसने सिर्फ 10,000 से डोनट्स का बिजनेस शुरू किया और आज वो 1,00,000 प्लस महाना कमा रहा है। आइए इनसे जानते हैं ये बिजनेस इन्होंने कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं उस्मान बुलेट ऑफिस। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो नौजवान तबका हमारा ये कहता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे पास सरमाया नहीं है, वसाइल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है, एक ऐसा नौजवान हमारे साथ मौजूद है जिसने महदूद वसाइल होने के बावजूद एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जिससे वो लाखों रुपये अर्निंग कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये बिज़नेस क्या है, कैसे इनके माइंड में ये आइडिया आया और ये कितना महाना कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली बिज़नेस है क्या आपका? ये बेकिंग स्टार्टअप है जिसमें डोनट्स, सिनेमन रोल्स और कुकीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इसमें काफ़ी लिमिटेड आइटम्स हैं मगर जो हैं वो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट के बेस्ट हैं, शुक्र अल्लाह। अच्छा बेस्ट, ये आप तो कह रहे हैं ना बेस्ट है, ये तो हम खाएंगे तो फिर पता चलेगा ना बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। मैं तो लोग वैसे ही, वो आजकल जो नौजवान है वो पबजी खेल रहे होते हैं, कुछ है वो इश्क मशूकी लड़ा रहे होते हैं, कुछ वैसे ही जो है ना वो उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं। आपके माइंड में कैसे आया कि मैंने ये बिज़नेस करना है और इस तरह से सपोर्ट करना अपनी फैमिली को? ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था आई थिंक सिर्फ 2016 से, कि जब मैं 16 साल का था, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैंने अम्मी से पैसे मांगूँ कि छोटी छोटी चीज़ के लिए, कि मैंने बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए, कि मुझे पैसे चाहिए, और जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम पर। अब खैर कम हो गए, कि काफ़ी बिजी हो गया हूँ उसकी वजह से, मगर मुझे से फील काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता था कि घर वालों से पैसे मांगते रहो, कि मेरे अपने घर वाले हैं वो। सही। तो खैर मैंने कहा कुछ ऐसा मुझे करना चाहिए जिससे मुझे मैं अर्न कर सकूँ मंथली। तो मैंने खैर देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैंने जेन में ये आया था कि मैं बेकिंग कर सकता हूँ, जो मैं काफ़ी बचपन से कर रहा हूँ। और मेरी शुरू से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे काफ़ी खुशी थी उन लोगों को देखकर जो अपने टैलेंट को फॉलो करते हैं, जो अपने पैशन को, तो मुझे भी कैसी चीज़ दें या मुझे कैसा टैलेंट ना मेरे सामने जो नहीं अब आए कि जिससे मैं अर्न कर सकूँ, और जो कि काफ़ी शुरू से मेरे पास था मगर सिर्फ मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, ब्लाइंड था उसकी तरफ से। तो खैर मैंने सिर्फ इसके ऊपर वर्क किया, मैंने क्लास कोई नहीं ली, मैं सेल्फ टॉट हूँ बचपन से, मैं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपके पास आ ही जाता है। तो खैर मैंने फिर वहीं से बेकिंग अपना स्टार्ट किया, और 2018 में मैंने फिर अपनी 18th बर्थडे के ऊपर मैंने लॉन्च, 23rd February को मुझे याद है मैंने पोस्ट किया था कि मेरा एक बेकिंग स्टार्टअप कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही मेरे फ्रेंड्स की तरफ से, एज सच कि अपने मेरा पेज पोस्ट किया अपने स्टोरीज वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम वगैरह पर, फेसबुक पर, मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स एनी खालिद, सारा खान उस टाइम पर नहीं थी वो, खैर बाद में फ्रेंड बनी है, मगर एनी खालिद ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अपने इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे घर बुलाया, उन्होंने घर आके टेस्ट किया, बल्कि वो फर्स्ट पर्सन थी एनी खालिद फैमिली के बाद भी कि जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं फादर पे कर सकते हो, और काफ़ी ने मुझे सपोर्ट किया जितना वो कर सकती थी, जबकि ना वो फैमिली है, वो फ्रेंड है मेरी, बेस्ट फ्रेंड है 7 साल से, मगर उन्होंने मुझे फैमिली की तरह सपोर्ट किया कि फादर आप कर सकते हो, आप करो, इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू कैन डू इट। और तब से, और शुरू से मेरा माइंड सेट है कि मेरा ये बिलीफ है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करो आपको वो अचीव हो जाती है, जो भी पूरी दुनिया में से जो भी आप कुछ कर सको, अगर आप सोच सकते हो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही है। तो फिर जब फर्स्ट आपने ये बनाया, ठीक है, तो फिर किसको टेस्ट कराया सबसे पहले आपने? फर्स्ट पर्सन दोबारा से एनी खालिद थी जिनको पसंद। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट भी उन्हीं को कराया? फर्स्ट वही थी, मैं उनके घर गया था। तो पहला वर्ड उनका क्या था जब उन्होंने टेस्ट किया? तो पहला शी वाज लाइक वाओ दिस इज इनसेन, लाइक हाउ डिड यू डू दैट, आई वाज लाइक रियली, कि आप खुद ही बेकर हैं, मुझे इतना वैलिडेट कर रही हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड याद है मुझे, ये नहीं बोला कि यार ये वाकई तुम ही बनाया, बिल्कुल तुमने बनाया, ये बाहर से लेके आए हो, बिल्कुल। और ऊपर से सारे की करते, तब सिनेमन काफ़ी, बल्कि अभी भी सिनेमन तो हमेशा हॉट रहेगा, सही, वो तो ओजी हैं। तो खैर उन्होंने कहा था कि आप सिनेमन से लेकर आए, मैंने कहा नहीं मैं सिनेमन से नहीं लेकर आया, मैंने खुद बनाया सिनेमन रोल्स है मेरे यहाँ। तो स्टार्ट मैंने खैर सिनेमन रोल से किया था, मगर जैसे ही मैंने सिनेमन रोल्स लॉन्च किए थे, मैं साथ साथ बैकग्राउंड में डोनट्स के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि डोनट्स तो दोबारा बचपन से बना रहा था, सिनेमन रोल्स मैंने कुछ साल पहले शुरू किया था, सही, डोनट्स की रेसिपी मैंने इम्प्रूव करना शुरू की, और वो मैंने फिर 2019 में फर्स्ट ईयर पर, 1 जनवरी पर मैंने लॉन्च की बिग फैट रोल्स के ऊपर, और ज़्यादा सक्सेस वो रहे हैं सिनेमन रोल से ज़्यादा। सही। जबकि पर्सनली मुझे अपने सिनेमन रोल ज़्यादा पसंद है, मगर जो लोगों को पसंद है। सही। यानी अभी 3 आइटम बना रहे हैं अभी? 3 आइटम्स, कुकीज़, सिनेमन रोल्स और डोनट्स। ठीक हो गया। काफ़ी कुछ लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, मगर वो अभी प्रोसेस में है, वर्क में।
यानी कि आगे चल के प्लान है आपको कोई बड़ी बेकरी शेकरी? आई एम ऑलवेज वर्किंग, मेरे ज़हन में हमेशा मैं 10 चीज़ें होती है एक टाइम के ऊपर कि मैं ये करना है ये करना है, मेरी चीज़ अभी भी मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन जो कि बैकग्राउंड के ऊपर काम चल रहा है, कुछ चीज़ें फ्यूचर में जो आ रही हैं, तो काफ़ी कुछ होने वाला, एक्साइटिंग थिंग्स आर हैपनिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा आपके, हमारी दुआएं आपके साथ है। अच्छा मुझे बताया कि कितने शोबिज के सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपके प्रॉपर कस्टमर हैं कि यार ये पक्के हैं मेरे? ओके, मुझे याद है सारा खान अच्छे हैं नेम, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जब लाहौर आई थी एक दिन के लिए सिर्फ आई थी, और मैंने उनसे कुछ महीने पहले बात हुई थी, 2-3 महीने पहले, और 2-3 महीने बाद वो लाहौर आई थी सिर्फ एक दिन के लिए, उन्होंने याद रहा था कि मैंने बिग फैट रोल से ट्राई करना है। सही, तो काफ़ी खुशी की बात थी, फ्लैटरिंग वाली, कि वो ऐसा पर्सन जिसको मेरी फैमिली वाले सारे लुकअप करते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि टी वी के ऊपर आती हैं, तो जी उन्होंने मुझे याद रखा और इतना प्यार दिया और इतनी सपोर्ट की, तो थिंक दैट्स रियली समथिंग। सही है। अच्छा भैया मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस करना हो तो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं ना, लोग इतना सपोर्ट करते हैं आपको, तो आपको भी ये शुरू करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आई होंगी? आई डोंट थिंक कि ये कम्प्लीटली हकीकत है कि लोग मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक बंदा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाता है। मेरी हमेशा ये सोच है कि आपकी सोच, आप हमारे जेहन में इतनी ताकत है, हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत है कि हम लोग चीज़ों को हकीकत कर सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, अगर आप अच्छा बोलेंगे अच्छा होगा, तो हम लोग सिर्फ कह कह करके पाकिस्तान में मुश्किल आते हैं, पाकिस्तान में ये, हम लोग अपने आप वो क्या कहते हैं उर्दू की मिसाल है कि बेड़ा वो कर लेना होता है, वो हम लोग खुद कर लेते हैं अपना, तैर करने वाला डूबने नहीं, फिर भी मुश्किल तो आपको आई होंगी ना शुरू में? मुश्किल मुझे आई थी मुझे, मगर मैं सिर्फ पॉजिटिव्स के ऊपर देखता हूँ। मुश्किल मुझे ये आई थी कि मुझे ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते थे, कि महीने महीने नहीं आते थे, तो मैंने अपने आप को डाउट करने लगा था कि एक पॉइंट पर आकर कि शायद मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मगर सिर्फ पेशेंस के साथ, दुआओं के साथ और कंसिस्टेंट मेहनत के साथ आपको रिजल्ट मिल जाता है, और मैं चलता रहा, मैंने सिर्फ कुछ ना कुछ करता रहा था, मैं पोस्ट करता रहा था इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, यानी हिम्मत नहीं हारी, आपको पता था कि यार मेरी प्रोडक्ट अच्छी है तो मैंने इसको करना है, मुझे आपके ऊपर फेथ था, मुझे था कि नहीं इट्स गुड, एक ना एक दिन मुझे जो ना वो कामयाबी मिलेगी, लोग ट्राई करेंगे तो फिर उसको पता चलेगा यार ये वाकई अच्छी चीज़ है, तो मुझे कुछ ना कुछ है, कुछ ना डिफरेंट है इसके अंदर, सिर्फ मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, वाकई कोई चीज़ बनाएगी। नाज़रीन असल में होता पता क्या पाकिस्तान के अंदर, खैर ये बाहर में भी देखा हमने, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैंने काफ़ी कंट्रीज जो है ना विजिट की हैं, तो ये चीज़ें हमने बाहर भी देखी हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रमोशंस के लिए अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो मार्केट्स में, पार्कों में और मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर जो जाके लोगों को फ्री ट्राई करा रहे होते हैं, तो वो बड़ी कंपनी है वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन कोई इस तरह का बंदा है जिसने अपना एक छोटे से महदूद वसाइल के साथ सिर्फ 10,000 से अपना बिजनेस शुरू किया है, तो वो किसी को वो जाके अपनी प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट नहीं करवा सकता, तो ऐसे नौजवानों को जो है ना वो बड़ी मुश्किलात पेश आती है करने में। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना है, ठीक है, जो खुद से जो है ना वो कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, जो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इनका जो नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो ब्रांड नेम है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर चलाऊँगा, तो अगर कोई भाई इनको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अच्छा मुझे जाते जाते कोई हमारे नौजवान जो ये वीडियो देख रहे हैं कोई उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं सिर्फ ये मैसेज होगा कि उनके लिए भी होगा, उनके पेरेंट्स के लिए भी होगा, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ कहा कि तुम फहा तुम कर सकते हो, और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपको पता हम पहले पाकिस्तान में होता क्या, पाकिस्तान में नहीं हर जगह पर भी, कि आप लोग सिर्फ स्टार्ट करने से पहले आपको कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, कि नहीं नहीं होगा, हम पहले ना पहले डाल देते हैं, नेगेटिव डिस्कस करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मेरी पूरी फैमिली ने, तो वो लादा बात है ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए उनको, खैर उनको मुफ्त में जो मिल जाता था इसीलिए ये मजाक है खैर, मगर उनको उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट थी उनकी मुझे, और ये सपोर्ट है कि आप लोग अपने घर में जो उनको सपोर्ट करें, और सिर्फ जो है आप सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट करें सिर्फ, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती है उसको लें, उसको सीज करें और उसको कुछ ना कुछ करें उसका, आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, जो भी हो अपना, अगर आप माइंड आप फोकस करेंगे उसके ऊपर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ये की कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है, एनीथिंग यू पुट योर माइंड टू, यानी कि जो मेरे जैसे हार्ड ड्राम लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है या काम नहीं है, पैसे नहीं है, बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, 2-4 लाख रुपये चाहिए, तो उनके लिए खास तौर पर ये पैगाम है, ये मैसेज है इनका कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से वसाइल में रहते हुए छोटी सी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया अच्छा है तो उसको अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, ठीक है, और कभी भी नेगेटिव नहीं होना है आपने, ठीक है, हर चीज़ चलती है, हर काम चलता है, तो शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके
अल्लाह पाक बरकत डालेगा। बिल्कुल, और आजकल तो आपको पता है कि इतना आसान हो गया सोशल मीडिया पर, आप सिर्फ पेज बनाए इंस्टाग्राम पे आ जाएं, आप ट्विटर पे आ जाएं, ना किसी की जरूरत है, ना आपको किसी के मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ये आपको पता है लग्जरी चीजें हैं कि आपको मैनेजर चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही एडवर्टाइजिंग आसान हो गई ना, बिल्कुल फ्री वाली हो गई है। आपका पेज बन गया, आपके पास फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यू डोंट इवन नीड सोशल मीडिया, आपको कॉन्टैक्ट्स भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एडवर्टाइज करें फेसबुक के ऊपर एंड यू कैन अचीव दैट व्हाटएवर यू पुट, हर बंदा इजीली कर सकता है। एब्सोल्युटली, तो यानी कि आप बहाने बनाना बंद करें और काम करें, जैसे कायदे ने कहा था काम 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 और सिर्फ काम। तो इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने मेजबान अहमद गौर को इजाजत दीजिए और देखते रहिए उस्मान बुलेट ऑफिशियल।